डॉक्टर रुको, मुझे माफ कर दो। हमारे गांव वालों ने ये सब बखेड़ा पैदा किया। अपने गांव की छोरी को बचाते बचाते पता नहीं किस राह चले गए ये लोग। होश में ना रहे ये लोग। आप लोगों को पता है आप लोगों की वजह से हमारे ससुराल में कितना कष्ट हुआ है। करा दिया था ना ब्याह आपने मारा, देख लिया था ना, खुश थे हम तो। फिर क्यों अपने हथियार लेकर यहाँ आ गए हमारे पति को, हमारे ससुराल वालों को मारने के लिए? विधि बेटा, मारे को खबर मिली थी ये लड़का अपने उस शहरी दोस्त के साथ शादी करने जा रहा था। अच्छा, किसी ने आपको बोला था, आपने मान लिया? किसने दी थारी को ये खबर? कौन था, कौन था वो जिसने आपको ये सब बताया? यही था अभी तो सरपंच साहब, मारे को तो थारे अलावा यहाँ पे और कोई ना दिख रहा। आज केवल आपने खुद का नहीं, मारा भी मजाक उड़ाया है मारे पति और मारे ससुराल वालों के सामने। विधि बेटा, इस गांव का सरपंच हूँ मैं, दुनिया देखी है मैंने। अगर ये छोरा पक्का उस दूसरी छोरी से शादी नहीं कर रहा था तो ये शादी का मंडप क्यों है? तेरी और अबीर की शादी करवा दी थी ना हमने, तो उस शादी को आप शादी मानते थे, लेकिन इस शादी को आप शादी नहीं मानते। जहाँ सर पे बड़ों का आशीष नहीं, बंदूक की नोक थी। जहाँ दूल्हा घोड़ी पे नहीं, कैदियों की तरह घसीट कर लाया गया, वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में जोड़े के लिए प्यार नहीं था, सिर्फ बदला लेने का जुनून था। इतना बड़ा परिवार है हमारा, इकलौता बेटा है, कोई इज्जत है कि नहीं? सब इसका ब्याह देखना चाहते हैं, तो अब हम दोबारा ये ब्याह कर रहे हैं अपने बड़ों की मौजूदगी में, उनके आशीर्वाद के साथ। बड़ी बड़ी बातें करके हमें बहलाने की कोशिश मत कर विधि। अगर ये शादी थारी हो रही है तो हम भी थारे बड़े हैं, हम भी देंगे आशीर्वाद, हम भी देखेंगे ये शादी। तेरी मांग सुनी है, सिंदूर से मांग भरने की रस्म अगर ये लड़का करेगा तेरे साथ तो हम मानेंगे तेरी बात। खेल लीजिए बन्ना साहब, ये सिंदूर भर दीजिए मारी मांग में। और दिखा दीजिए इन लोगों को कि ब्याह थारा और मारा ही हो रहा है। हमारी त्रिशाला कहाँ है? अनसा, आप उनकी फिक्र ना कीजिए, वो एक महफूज जगह है। बस जल्दी से हमारी मांग में ये सिंदूर भर दीजिए, ये लोग आपको मार देंगे। इस जन्म में ने अगले हर जन्म में भानुमति थारी होगी। विवाह संपन्न हुआ। देखे आप लोगों ने मारा ब्याह सबके सामने। अब आप लोग मारे को वचन दो ना दो, लेकिन एक वचन मैं लेकर रहूंगी कि आप लोग दोबारा इस घर में अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, मारे ससुराल वालों को कभी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं थारी गांव की छोरी ना हूं, अब मैं तोमर खानदान की बहू हूं। चलो।
ये विधि यहाँ कैसे आई? ये सब कैसे हो गया? थारी कृपा से सब ठीक हो गया अम्बे माँ। थारी कारण मैं कुंवरसा को बचाने में सफल हो सकी। चला गया, मुझे कैसे भी करके बनासा को बचाना होगा। ये नारियल यहीं रख देता हूं। और आपको यहाँ इस तरह से बांध के किसने रखा है? पानी। रुकिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। कहाँ गई वो लड़की? पनीसा, तू पनीसा, मैं बार बार कह रही हूँ लेकिन आप बार बार उसे नजरअंदाज कर रही हैं। ये शादी मत कीजिए, अगर ये शादी हुई तो सरपंच और बाकी गांव वाले मिलकर आप दोनों को मार देंगे। हमें कुछ नहीं सुनना। कितनी बार तुम्हें एक ही बात कहे कि अबीर के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अबीर सिर्फ हमारे हैं और सिर्फ हमारे। पनीसा, हमारा विश्वास कीजिए, पनासा नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारी ऐसी हिम्मत। अंदर ही है सब, मार देंगे सबको, शादी नहीं होने देंगे। ये गांव वाले ये यहाँ तक आ गए। अगर इन्होंने बनीसा और बनासा को मंडप में देख लिया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। बनीसा, मारे को माफ कर दो बनीसा। बतारे को और पन्नासा को बचाने के लिए हमारे पास यही रास्ता बचा है। हर किसी चोट है, बनीसा को होश आ जाएगा लेकिन तब तक हमें बनासा को कैसे भी करके बचाना होगा। देखिए जन्म जन्म का साथ सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर।